हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को पार्ट 3 द गंगा रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू पढ़ाने जा रहा हूँ, रीडिंग कराऊंगा। देखिए लेसन 3 द गंगा रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। Now read the lesson. I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I can do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such an abundant measure that I have been overwhelmed by it. I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection. पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुझे भारत के वासियों से इतना प्रेम तथा स्नेह मिला है, इतना प्रेम तथा स्नेह मिला है कि सब कुछ करने के बाद भी मैं जरा भी उनका बदला नहीं पाता। और वास्तव में स्नेह जैसी बहुमूल्य वस्तु का बदला चुकाया भी नहीं जा सकता है। हुई है, बहुतों का आदर हुआ है, लेकिन मुझे प्रचुर मात्रा में दिया है जिससे मैं अभिभूत हो गया हूँ। मैं तो केवल उन्हें अपनी जनता तथा उनके प्रेम के अयोग्य साबित नहीं होऊंगा। ये कौन कह रहे हैं? ऐसे टू इनमेमोरेबल कमार इवन डीपर डिबेट ऑफ ग्रेटिट्यूड वी हैव बीन पार्टनर्स ग्रेट अंडर किंग्स एंड हैव शेयर्ड द ट्रिम्प्स एंड सोरोज विच इनेविटेबली अकॉम्पनी देम। मैं अपने अनगिनत मित्रों और साथियों के प्रति आदर करता हूँ, हम महान नवेश नहीं है और उनसे संबंधित जीत ने बांटा है। अकॉम्पनी मीन्स शेयर किया है, कंपनी में बांटा है। वेन आई should like my body to be cremated. If I die in a foreign country, my body should be cremated here and my ashes sent to Allahabad. Full of these ashes should be thrown in the Ganga and the major portion of them disposed of in a manner indicated. So this is written for Pandit Jawaharlal Nehru ne apni wasiyat mein likha tha. Unhone kaha hai isme meri mrityu hone ke baad मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो का बचा किया जाए और भस्म को राख को इलाहाबाद लाया जाए, उस भस्म का मुट्ठी भर भाग गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए और शेष भस्म की प्रमुख भाग को अधोलिखित ढंग से खर्च किया जाए, जो वसीयत में लिखा था उन्होंने उसके हिसाब से खर्च किया जाए, यानी फैला दिया जाए। भस्मी का एक अंश भी न बचाया जाए और न ही सुरक्षित रखा जाए। नहीं, अपने वसीयत में था कि मेरी मृत्यु कभी भी कहीं भी हो, मुझे मेरा दाह संस्कार कहीं भी कर दिया जाए, लेकिन उन अस्थियों को नदी में लाया जाए और मेरे जो राख है वो राख को भारत को ले दिया जाए। और इसको मैं फोटो भी खींच दूंगा, उसके हिसाब से आप
भेज दूंगा मैं फोटो खींच करके, आएंगे और करेंगे। ओके स्टूडेंट।